अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान और आज हम करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल्स। और इस चैप्टर के अंदर तीन एग्जांपल्स हैं। पहले लेक्चर में हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और जो हमारा वेरी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा हम आपने जब भी सॉल्व करने हैं तो सॉल्व करने बैठें तो आप उस यूनिट के अंदर जितने भी फार्मूले हैं, फार्मूलास हैं, वो सारे के सारे एक साइड पे लिख लें और फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल आप स्टेटमेंट पढ़ें उसमें से गिवन डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको महसूस हो रही है कि हमें दी गई है, वो लिखें। फिर जो मालूम करना, जो हमसे पूछ रहा है, वो लिख लें। फिर जो फार्मूला उन चीज़ों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा, इनमें से वो फार्मूला यहाँ लिखें और फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आपका किसी किस्म का नंबर नहीं कटेगा न्यूमेरिकल का। जब मार्किंग होगी तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो पहली एग्जांपल है पेज नंबर 6 पे, लिखता है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड हमसे पूछ लिया है और दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, इसका सिंबल स्मॉल एफ है। सो ये दो चीज़ें उसने पहली लाइन में हमसे पूछ ली हैं। आगे लिखता है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है, मैं डायग्राम भी साथ बनाऊंगा। सिंपल पेंडुलम कैसा है जी, 1 मीटर लॉन्ग। उसकी लंबाई कितनी है, ऑलमोस्ट 1 मीटर। लेंथ है उसकी 1 मीटर। और ये कहाँ मालूम करना है, एट अ लोकेशन, किस जगह पे, जहाँ पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और आप जानते हैं कि अर्थ के करीब करीब, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के करीब करीब, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की कीमत कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ। सो गिवन डाटा क्या पता चला हमें, लेंथ किससे रिप्रेजेंट होगी, स्मॉल एल से, 1.0 मीटर। फिर जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, जी 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, हमने सिंपल पेंडुलम का टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर में, और सिंपल पेंडुलम का जब भी टाइम पीरियड मालूम करना हो तो उसका फार्मूला इनमें से कौन सा है, टी इज इक्वल टू 2πL/g। ये आता कैसे है, दैट इज़ अ डिस्कशन ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट ईयर में आप ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो टी इज इक्वल टू 2πL/g, जो फार्मूला हमने इस टॉपिक के अंदर फॉर सिंपल पेंडुलम, ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। तो हम ये टाइप फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू 1/T। दो फार्मूले यूज़ होंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन, इसे 1 का नाम दे लें, इसे चाहे 2 का नाम दे लें। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज़ कीजिए तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट। हमें जस्ट यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, 2 कांस्टेंट है, पाई की कीमत 22/7 है या 3.14 है, एल की कीमत उसने खुद दी है, जी की कीमत खुद दी है, तो पुट कीजिए टी का आंसर। टी किसके बराबर आ जाएगा, पाई की जगह 3.14, एल की जगह 1.0, जी की जगह 10। अच्छा जी, आगे 1 जब 10 से डिवाइड होगा, चलिए इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6.28, और अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है, 0.1। इसे
आप स्क्वेयर रूट लेंगे कैलकुलेटर के साथ, जजल लेके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 के साथ, तो टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा 1.99 सेकेंड। टाइम पीरियड किस में होता है? सेकंड्स के अंदर। तो ये पहला पार्ट जो हमसे उसने पूछा था टाइम पीरियड मालूम करे, हमने कर दिया। दूसरा पार्ट जी उसने पूछा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करें? नोट कर लें बच्चों, जल्द करना है जल्दी से, मैं इधर कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? हमने पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में ये ताल्लुक है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। अच्छा जी, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू, आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, कौन सी टी? जो यहाँ से अभी आया आंसर। सो इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके जो हमने दिया था क्या बन जाएगा, टी की जगह क्या पुट करेंगे? 1.99, तो आंसर विल बी 0.50। और फ्रीक्वेंसी किस में होती है? हर्ट्स के अंदर, इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। ये दो आंसर हमने फाइंड कर लिए, एक टाइम पीरियड था, दूसरा फ्रीक्वेंसी। कब? जब हमारे पास एक पेंडुलम है, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, ग्रेविटेशन एक्सेलेंस ये है, इसका टाइम पीरियड मालूम करें कितनी देर में ये चक्कर पूरा कर लेगा और 1 सेकंड में कितने चक्कर करेगा, तो ये 0.5 का मतलब आधा चक्कर, आधी वाइब्रेशन सिर्फ करेगा। चलिए बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने, तो दूसरे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी एग्जाम्पल में कहता है, जो कि वेव्स के मुतालिक है, अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी, डायग्राम बनाता हूं क्लियर। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्स। अ वेव मूव्स, सबसे पहले तो आपको स्लिंकी का पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हमने स्लिंकी यूज़ किया था। स्लिंकी एक ऐसा स्प्रिंग है जो स्ट्रेचेबल है, आसानी से खींचा जा सकता है, आसानी से दबाया जा सकता है, बड़ा लूज सा स्प्रिंग है, बड़ा लूज सा स्प्रिंग है। अक्सर देखा वो जिसकी रिंग्स बनी होती है, चूड़ियाँ भी मेलों से अक्सर मिलती हैं, बड़ा स्ट्रेचेबल है, दबाएँ तो दब जाता है, मल्टीपल कलर्स होते हैं जैसे वो चूड़ियाँ टाइप बनी होती हैं बच्चियों की, दैट इज़ अ स्लिंकी। तो स्लिंकी पे क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी कितनी पैदा हो रही है स्लिंकी पे वेव्स की? 4 हर्ट्स, और वेवलेंथ कितनी है? 0.4 मीटर। आइए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज कीजिए ये एक स्लिंकी है, इस पे कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है? 4। फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जानते हैं, नंबर ऑफ वेव्स। तो कैसे जी आप इसे इस तरह से पुश करें, तो इसमें कितनी वेव्स कह रहा है? 4 हर्ट्स। So, कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं? 1, 2, 3, 4 वेव कैसे डिफाइन करते हैं आप? क्रस्ट ट्रफ। और ये कितनी वेव्स बन गई? यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2 है, ये 3 है, ये 4 वेव्स पैदा हो रही हैं। और मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी हमें दी है, फ्रीक्वेंसी को किससे जाहिर किया जाता है? स्मॉल एफ के साथ, और दैट इज़ 4 हर्ट्स। और वेवलेंथ आप जानते हैं, वेवलेंथ क्रस्ट से लेके ट्रफ का, या क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक का फासला वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो वेव बनी है उसकी लेंथ किससे जाहिर होती है? लैम्डा के साथ, और वो कितनी दी है? दैट इज़ 0.4 मीटर, जस्ट 0.4 मीटर की ये वेव है, 0.4 मीटर की ये वेव है, 0.4 मीटर की ये वेव है। चलिए जी, पूछता क्या है हमसे, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, बताइए स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ वेव बताइए, स्पीड ऑफ वेव। क्या सिंपल सा फार्मूला है स्पीड का? वेव इक्वेशन हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, और वेव इक्वेशन किसके बराबर है? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये सिंपली वेव इक्वेशन है। स्पीड मालूम करने के लिए एक तो फ्रीक्वेंसी चाहिए और दूसरा लैम्डा, दोनों चीज़ें गिवन है। तो लिखेंगे
यूजिंग इक्वेशन वन वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड लैम्डा. पुट करें वैल्यूज, एफ की जगह क्या रखेंगे 4, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे 0.4 एंड आंसर विल बी 1.6 और स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. ये रहा वेलोसिटी का या स्पीड का आंसर. तो वेव कितनी स्पीड से मूव करेंगी 1.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ. ये थी दूसरी एग्जांपल, डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया. अच्छा बच्चों, तीसरी और आखिरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. चैप्टर की तीसरी और आखिरी एग्जांपल है, नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम. तो तीसरी एग्जांपल में वो लिखता है कि एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है विद वेव्स इन वाटर, पानी में वेव्स पैदा करता कर रहा है और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है. द स्टूडेंट मेजर्स द वेवलेंथ ऑफ अ वेव टू बी 10 सेंटीमीटर. उसने देखा जो वेव पैदा हुई वो कितने सेंटीमीटर की थी, जस्ट 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर कुड बी जो एक इतना सा 10 सेंटीमीटर होगा, उतनी सी वेवलेंथ थी उसकी. बाई यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल, फिर उसने क्या किया, उसी पानी के अंदर एक गेंद रख दिया और गेंद क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. डायग्राम बना के समझाता हूँ. और फिर उसकी ऑसिलेशंस देखी कितनी दफ़ा ऑसिलेट करता है, क्या यूज़ करते हुए, स्टॉप वॉच यूज़ करते हुए. स्टूडेंट मेजर्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज़, उसने देखा कि वो बॉल एक सेकंड के अंदर 2 दफ़ा नीचे और 2 दफ़ा ऊपर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी थी, 2 थी. इफ़ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ द टैंक ऑफ वाटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द टैंक 2 मीटर अवे. अगर वो टैंक के एक तरफ वेव पैदा करना शुरू करता है तो उन वेव्स को 2 मीटर दूर, जो दूसरा किनारा है उसका, वहाँ तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगेगा, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ. फर्ज कीजिए एक टैंक है, जैसे कि हमने रिपल टैंक बना के देखा था. फर्ज कीजिए एक टैंक है, अब इसकी 4 टांगे हैं और आप जानते हैं कि इसमें क्या है जी, हमने वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसमें वेव्स प्रोड्यूस करके देख रहा है. फर्ज कीजिए स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, अच्छा जी, इसके अंदर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वेव्स प्रोड्यूस कर रहा था. अब वो वेव्स कैसी थी, वो वेव्स प्रोड्यूस जब हो रही थी तो वेव्स क्या थी, इस टैंक की जो लंबाई है, टोटल फासला है, दैट इज़ 2 मीटर, एक एंड से दूसरे एंड तक का फासला 2 मीटर है. तो इसके अलावा क्या कहता है, वो ऑसिलेशंस जब उसने वेव की लेंथ देखी, एक क्रस से अगले क्रस तक का फासला नोट किया, तो वो उसे कितना में पता चला. और आप जानते हैं वो कैसे नोट करते हैं, जब इनकी नीचे डायग्राम यहाँ पे रिपल टैंक में जब वो नीचे इसका प्रोजेक्शन बनता है, वहाँ से वो नोट की जाती है नीचे स्क्रीन या वाइट शीट बिछा के, उसके ऊपर यहाँ पे समझ लीजिए कि लैंप है जिससे क्या आके ऊपर गिर रही है लाइट और सारा. अच्छा, तो सवाल में जो डेटा है वो देखते हैं. वेव्स इन वाटर द स्टूडेंट मेजर द वेव लेंथ, कितनी वेव लेंथ उसे पता चली, वेव लेंथ को लैम्डा के साथ, और वेव लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर. यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना था, 10 सेंटीमीटर. एक क्रस से जो अगला क्रस स्टार्ट होगा वहाँ तक का फासला वेव लेंथ होता है, और वेव लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर. बाई यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्व, और क्या करता है, इसके ऊपर यहाँ पर बॉल रख देता है, एक बॉल प्लेस कर देता है. और आप जानते हैं जब ऑसिलेशंस पैदा होंगी, जो वेव्स पैदा होंगी, तो बॉल क्या करेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा और वेव्स नीचे से गुजर जाएंगी. तो कितनी कितनी ऑसिलेशंस थी, 2 हर्ट्ज़ पर सेकंड.
सवाल उसका स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन पार्ट. हाँ जी, तो बताइए कितनी देर के अंदर, कितनी देर के अंदर यहाँ से वेव यहाँ पहुँच जाएगी. टाइम बताए, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितनी देर लगेगी. टाइम स्मॉल टी मालूम करना है. फार्मूले कौन कौन से यूज़ होंगे. फार्मूले बच्चों, यहाँ पे एक फार्मूला हमने मिस कर दिया, वो फार्मूला था स्पीड का एस बराबर वी ज़ेरो टी. ये एक फार्मूला मिस कर दिया हमने, एस इज इक्वल टू वी ज़ेरो टी, ये फार्मूला भी यूज़ होना है. अब बताइए टी मालूम करना है. टी मालूम करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला जहाँ से टी मालूम हो सके. ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ये तो टाइम है, जस्ट टोटल टाइम मालूम करना है. सो कोई भी ऐसा फार्मूला, ये सिक्स फार्मूला ऐसा है जो किसके बराबर, एस इज इक्वल टू वी ज़ेरो टी, डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला. डिस्टेंस किसके बराबर है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है कि ये यूज़ करके हम इसमें से क्या फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं टी. लेकिन शर्त ये है कि हमारे पास एस भी हो और वी भी हो. एस तो है लेकिन वी कहीं नहीं हमें नज़र आ रहा, तो हमें वी भी फाइंड करना है. सो वी किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, वो वेव इक्वेशन है. वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन यूज़ करें हम, बी इक्वेशन यूज़ करते हैं. और वो क्या है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यूज़, क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज़, किस किस की वैल्यूज़, एफ एंड लैम्डा. पुट करें ज़रा, वी इज इक्वल टू एफ की जगह टू और लैम्डा की जगह 0.1, तो आंसर विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड. ये वी की वैल्यू आ गई, वी की आ गई. एस ऑलरेडी है, टी निकालना कितना आसान है. कैसे करेंगे अब हम, क्या फार्मूला लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी ज़ेरो टी बाय पुटिंग वैल्यूज़, इसका नाम क्या था, ये पुटिंग वैल्यूज़ करें, पुटिंग वैल्यू एस की जगह टू, वी की जगह 0.2 और टी वैसे क्या वैसा, ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या कर जाएगी, डिवाइड, एंड आंसर विल बी 10 सेकेंड. टी विल बी, इसका मतलब 10 सेकेंड के अंदर वेव इस एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी. ये थी तीन एग्जांपल्स चैप्टर नंबर 10 की. आज का हमारा ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी. हमारी मज़ीद और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और थंब एक्सप्रेशन को ज़रूर हिट करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके. थैंक यू वेरी मच.